दोस्तों अभी मटन मिल गया है, अभी हमने ले लिया अभी आधा किलो। जैसा कि देख सकते हैं हमारे घर पे मटन आया और हस्बैंड जी उसको साफ कर रहे हैं। दोस्तों ये देखिए मटन का रेसिपी एकदम तैयार हो गया, मसाला अब डालने वाली थोड़ी देर में हमारी देवी जी, हाँ गरम गरम, और इसके साथ में रंग बिरंगा चावल खाया जाएगा। तो देखिए एकदम तैयार हो गया मटन और थाली एकदम रेडी हो गया, अभी रोटी खाए हैं एक और। ये देखिए चावल है, मटन है यहाँ पे, और ये देखिए गरम गरम रोटी है, सभी लोग को बुलाओ खा लेंगे। आइए आप लोग खा लीजिए, जो लोग खाते हैं उनके लिए, जो लोग को मार दूंगी। ये भगवान कितनी भयानक लग रही है, बाप। 2 3 स्टार्ट। देखो कैमरे की तरफ, कैमरे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग, आशा करते हैं बहुत जल्दी खुश रहे खुश रहे। चलिए आज के प्यारा ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो भी गर्मा गर्म पकौड़ी बन रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग, और साथ ही साथ गर्म गर्म चाय बन के एकदम रेडी हो गया है। ये देखिए हमारी प्यारी देवी जी, और ये हमारा नया, और आप लोग खा लीजिए, इतना बोलती है कि हमको बोलने का मौका ही नहीं देती है। ये मेरा नया न्यू हेयर स्टाइल है, कॉमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। और आलू का और मिर्ची का बचा, आप लोग आइए खा लीजिए जल्दी जल्दी। बिल्कुल दोस्तों, अभी हम लोग नाश्ता वगैरह करेंगे, और अभी खुशखबरी और सर, अभी चीज़ भी बताना है, क्योंकि भाई साहब अभी जाना है हमें थोड़ा सा आज देसी मुर्गा लाने के लिए। क्या जी? थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा ही लाने वाले हैं, लगभग 2 किलो का लाएंगे मुर्गा। उससे पहले हम लोग नाश्ता करते हैं, चाय भी बन के एकदम रेडी हो गया। मैं फटाफट वीडियो का एडिटिंग करता हूँ, पोस्ट करता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। दोस्तों देख सकते हैं हमारे बैगनी आलू का चिप्स और लौकी और मिर्ची, मिर्ची ये रहा हस्बैंड जी, तो मिर्ची ढूंढ ढूंढ के खा गए, पता नहीं कहाँ खो गई मेरी मिर्ची, कहाँ गई। ये है एक ही मिर्ची बची, बाकी है। और ये चाय है हस्बैंड जी का, ये मेरा, सारा काम से एकदम छुटकारा पानी। छत पे बना हुआ तो फिर मजा कहाँ से आएगा। और ये देखिए क्यूट सी चुड़ैल बनेगी, ये देखिए घर में पूरा अंधेरा कर देना है। हाँ अंधेरा रहेगा, उस हिसाब से सीन शूट करेंगे। ये कढ़ाई उड़ाई अंदर रख दे, अभी इनका मेकअप करना है, इनको चुड़ैल बनाना है। ये सब अंदर कर देता, हाँ अंदर कर दीजिए तो और बढ़िया रहेगा। तो आप भी करवा दीजिए इतना सारा काम। अच्छा हम करवा दे रहे। अभी जस्ट दोस्तों हमको भी तांत्रिक बनना है, तो फिर धोती लपेटना है, इनका यही कैरेक्टर रहेगा। अभी हमको देखना, हम कहीं अपने आप को देख के ना डर जाए, अभी मेरा मेकअप होगा और मैं चुड़ैल बन जाऊं। ये देखिए दोस्तों बड़ा क्यूट सी चुड़ैल है, तो जोकर ही तो बनना है इसमें। चुड़ैल कौन सी हैंडसम दिखेगी, चुड़ैल भी कभी ब्यूटीफुल होती है क्या? क्या कर रहे, ऐसे नहीं बनाते, इससे अच्छा था हम कर लेने का। ये हम पे गुस्सा करती है गाइस, कितना बढ़िया मेकअप करती है, बताइए जरा सामने देखिए। ये देखिए दोस्तों, तो फाइनल लुक रहा, ये देखिए खून की प्यासी चुड़ैल। ठीक है अभी हम लोग को शूट करना है, ठीक है भूल भुलैया 3 को लेकर के, क्योंकि भाई साहब बहुत खतरनाक पिक्चर आ रहा है ना, तो उससे रिलेटेड हम लोग बना रहे हैं ट्रेंडिंग टॉपिक, तो इसलिए हम लोग रेडी हो रहे हैं। कपड़ा देखिए कैसे पहनी है, ये देखिए हमारे नए घर में भूत निकला है। कौन है तू? मंजुरिका। क्या करने आई यहाँ पे? मैगी खाने। मैगी खाने आई है? ये भगवान देखिए क्या कर रहे हैं, वरना एक एक करके सबको मार दूंगी। ये भगवान कितनी भयानक लग रही है, बाप छोड़ दे मुझे। देखिए दोस्तों कितनी खतरनाक लग रही है। जा ला कर दे, ला कर दे, मारे जी के झापड़ खा रहे हो, जल्दी जल्दी फॉलो करो, को किसी को सोने नहीं दूंगी। अभी जस्ट शूट करना है, है जो हर तांत्रिक को हरा देती है, आज मैं उस पिशाचिनी को पकड़ के रहूंगा, मैं अपने तंत्र और मंत्र की विद्या से। 1 2 3 अक्सर हम बोल रहे हैं, ठीक है हम बोलेंगे जय और मंत्र पढ़ेंगे, ठीक है तुम जल्दी से भाग के हंसते हुए चले जाना, तब हम अंदर में आगे देखने के लिए, ठीक है। हाँ जय आज तो मेरे मंत्र और मेरे हाथों से नहीं बचेगी। किधर है, इस वाले हाथ से मारो, इस वाले हाथ से पड़ेगा, नहीं पड़े, हाँ सही है, ये कोई आया है। कर कैसे बोलो भैया, हाँ ऐसे बेचारा के दे, चावल ला के दे,
पहले की चुड़ैल खून मांगती थी, हड्डियां खाती थी, ये पिज्जा बर्गर खाती थी, इसी दुनिया जैसे सारे दर्द निकाल के मेरी मुझे छोड़ दे। फाइनल टेक में हम लोगों ने अभी शूट कर लिया है, अब क्या करेंगे ना आप लोग देख लो, क्योंकि वो टिकटॉक और इंस्टाग्राम के मोड के लिए बनाया गया है, ठीक है, इस वजह से आपको जो है ना पूरा एकदम ब्लॉग वाला सीन देखने को नहीं मिलेगा। हाँ खींच लो फोटो खींच लो, तो आप लोग पहले देख लो किस प्रकार से हम लोग परफॉर्मेंस किए हैं, और आपको ओरिजिनल इसकी वीडियो पूरा म्यूजिक के साथ में चाहिए तो हमारे यूट्यूब शॉर्ट्स फीड में जाओगे तो वहाँ वीडियो आपको मिल जाएगा। फाइनली शूट कर दिए हैं, अभी गए थे थोड़ा सा हिसाब वगैरह करने के लिए, और गोलगप्पा इनके लिए ला दिए हैं। क्या खाने का मन है आपका? देसी मुर्गा। क्या बात है। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं हम गाँव, ठीक है, हमारे घर के पीछे जस्ट गाँव पड़ता है, वहाँ जाएंगे और भैया जी का फार्म खुलवा करके और देसी चिकन को जो है पैक करके ले आते हैं, एकदम बढ़िया से कटवा हटवा करके फिर हम लोग बनाते हैं। क्या जैसे हम लोग दोस्तों दो दिन से प्लान बना रहे हैं, लाइट चला लेते, दो दिन से प्लान बना रहे हैं कि देसी मुर्गा खाएं, बट ख़त्म हो गया फार्म में। अभी गाँव से गुजर के जा रहे हैं, फार्म के पास से ही आ रहे हैं, वहाँ उन्होंने बोला कि अभी छोटे छोटे बच्चे रखे हैं, इतने बड़े थे सबको बेच दिया उन्होंने। दोस्तों मैं आ गया हूँ मेन सिटी साइड में, ठीक है, मैं जा रहा हूँ क्योंकि भाई साहब देसी मुर्गा तो मिलेगा नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ ना कि मटन मिल जाए तो बेस्ट रहेगा, ठीक है, आधा किलो मटन मिल जाए आराम से बनाएंगे खाएंगे बस। दोस्तों अभी मटन मिल गया है, अभी हमने ले लिया अभी आधा किलो, 330 रुपये का पड़ा है। आपका नाम बड़ा हमने सुना है ना, जहाँ पर रह रहे हैं कई लोगों ने बताया कि आपको वही मिलेगा रात के टाइम में, क्योंकि वो पूरे एरिया में कहीं मिलता ही नहीं है। हाँ, तो चलिए दोस्तों घर पे लेके चलते हैं। जैसा कि देख सकते हैं हमारे घर पे मटन आया और हस्बैंड जी उसको साफ कर रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों अभी तुरंत घर पे आया, भाई साहब बहुत थक गया, आज हम लोग का देसी मुर्गा खाने का मन था, लेकिन देसी मुर्गा से भी तो ये बेस्ट होता है क्या जी? हाँ बिल्कुल, और ये चर्बी को हटा रहे हैं देखिए पीस में से, ताकि जो है बढ़िया से खा सके। चर्बी खाना नहीं, चर्बी खाने से ये होता है कि तेल ज्यादा होता है क्या जी? हाँ। और मोटापा में काफी बढ़ोतरी होती है, इस वजह से बढ़ोतरी होती है। हाँ हो जाता है कभी कभी इस वजह से। तो अभी फिलहाल इसकी सफाई करते हैं और मैं चल जाऊंगा एडिटिंग करने के लिए, देवी जी जब तक बनाएंगे गर्मा गर्म मटन और आपको दिखाएंगे और आप सभी को खिलाएंगे। तो दोस्तों आइए हम आप लोगों को इधर का नज़ारा दिखा देते हैं। ये देखिए मैंने मटन के लिए प्याज काट लिया है, हस्बैंड जी ने कॉल किया था कि मिल गया, और ये मैंने मसाला पीस लिया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये मैंने सारा मसाला मिला लिया, बस सिर्फ मीट मसाला डालना। और ये मैंने बघारा चावल बनाया जिसको पुलाव बोलते हैं, हस्बैंड जी का डिमांड था कि एक बार आपके घर पे खाए थे। दोस्तों ये देखिए मटन का रेसिपी एकदम तैयार हो गया, मसाला डालने वाली थोड़ी देर में हमारे देवी जी, हाँ गरम गरम, और इसके साथ में रंग बिरंगा चावल खाया जाएगा जिसका स्वाद एकदम अलग है क्या जी? इसको पुलाव बोलते हैं हम लोग। तो देखिए एकदम तैयार हो गया मटन और थाली एकदम रेडी हो गया, अभी रोटी खाए हैं एक और, ये देखिए चावल है, मटन है यहाँ पे, और ये देखिए गरम गरम रोटी है, सभी लोग को बुलाओ खा लेंगे। आइए आप लोग खा लीजिए, जो लोग खाते हैं उनके लिए, जो लोग नहीं खाते उनके लिए माफी चाहते हैं, बहुत ज्यादा यम्मी बना, हस्बैंड जी ने अभी चेक किया है, लीजिए आप लोग खा लीजिए, आप खाइए और अभी हस्बैंड जी बताएंगे कैसे। दिल खुश हो गए इनका, सच में मजा आ जाता है, इतने मेहनत करके लाए गाइस, खाइए आप खाइए। ये सब हड्डी वाला जो पीस होता है दोस्तों स्पेशली इतना मजा आता है खाने में कि मत पूछिए आप। आज की वीडियो के लिए इतना ही, बगल में है फेसबुक पेज का आईडी, जाकर के फॉलो कर लीजिए और चैनल पे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने कीमती वक्त निकाल के मेरा व्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।